हेलो लवली पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीबी क्रीम, DIY बीबी क्रीम। तो देखते हैं कि हमने ये बीबी क्रीम कैसे तैयार किया विद शेयर कवरेज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल, आपकी स्किन टोन का फाउंडेशन, एक मॉइस्चराइज़र, एक एम्प्टी कंटेनर एंड अ बाउल एंड स्पून। तो सबसे पहले हम एलोवेरा जेल को लेंगे। आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से ही लेनी है, जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी रख लिएगा। मैंने बहुत थोड़ी ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। तो यहाँ लिया है मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल एंड उसको बाउल में लेके उसको थोड़ा सा स्मूद आउट किया है। एंड उसके बाद लिया है मैंने मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ जॉनसन बेबी लोशन यूज़ किया है, ये मेरी स्किन को अच्छे से सूट करता है। आपको जो मॉइस्चराइज़र अच्छे से सूट करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया अच्छे से। एंड बीबी क्रीम्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो आपकी परफेक्ट शेड की कभी नहीं होती, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपकी शेड की मैचिंग बीबी क्रीम बनाने का। तो अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है, उसके बाद हम डालेंगे फाउंडेशन। तो याद रखिए हमको फाउंडेशन दोनों इंग्रेडिएंट से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि हमको कलर चाहिए एंड कवरेज भी चाहिए, तो इसलिए हम डालेंगे फाउंडेशन। उसके बाद फाउंडेशन को भी अच्छे से ही मिक्स कर लेंगे। एंड या रिमेंबर कि आप फाउंडेशन अपने स्किन टोन के मैचिंग का ही लें, तभी वो बीबी क्रीम आपके स्किन टोन के सेम शेड की बनेगी। इसके बाद हम लेंगे एम्प्टी कंटेनर, जो रेडी बीबी क्रीम है उसको एम्प्टी कंटेनर में हम ट्रांसफ़र आउट कर लेंगे। सारी जो भी क्रीम है वो उस कंटेनर में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से। एंड या आप ये बीबी क्रीम एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इसकी कवरेज बहुत ही शियर है, बट आप मे बी इसको बिल्ड कर सकते हैं। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो आप एक एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। एंड हमने इसमें जो एलोवेरा जेल यूज़ किया है वो एक नेचुरल प्राइमर का वर्क करेगा, और मॉइस्चराइज़र आपको मॉइस्चराइजेशन देगा, एंड फाउंडेशन आपको कवरेज देगा। एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। और ये ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।